आइए दोस्तों, आज हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है, उसको हमारे माननीय नेता ने इस सदन में अपने कथन में स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं पुनः उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को हल करने की बजाय और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा दल इस बात के खिलाफ है। हम सब यह भी जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां जिनकी चर्चा इस माननीय सदन में हो चुकी है, यहाँ काम कर रही हैं। यह समस्या केवल असम राज्य में है, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों में धीरे धीरे पैदा होती जा रही है। इन विदेशी शक्तियों की ऐसी इच्छा है कि यह देश अलग-अलग टुकड़ों में बंट जाए और एक शक्तिशाली देश न बन पाए। पैरा उपसभापति महोदय, इस संबंध में हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। हम अपने देश की एकता को किसी भी स्थिति में भंग नहीं होने देंगे, लेकिन इस सबके बावजूद हमें यह अवश्य विचार करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असम राज्य की इस समस्या को हल करने में सहायता मिली हो। हमारे इस सदन के माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियां वहां पर अपना अपना काम कर रही हैं। मैं भी इस तथ्य से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन सरकार का भी तो कुछ दायित्व होता है कि वह इस राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारने का प्रयास करें, ताकि ये विदेशी शक्तियां वहां की गरीब और कमजोर जनता से अनुचित लाभ न उठा सकें। मान्यवर, काफी समय पहले असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि असम राज्य के जो प्रगति के साधन हैं वे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के बाहर चले जाते हैं, और इस तरफ उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने
मुख्यमंत्री जी की इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये डिक्टेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।